हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ नीरज कुमार और आप सब देख रहे हैं हमारा चैनल फिल्म फैक्टर। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमारी क्लासेस चलेगी रेगुलर, और आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन उससे पहले हम कुछ रोड मैप्स देखेंगे सिलेबस की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमने क्लास 12 के फिजिक्स को तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा ऑप्टिक्स और थर्ड हमारा मॉडर्न फिजिक्स। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं उसका मतलब ये होता है स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज की स्टडी करना। अगर हम चार्ज हमारा रेस्ट पे होगा तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। जब चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ऐसा हुआ, अगर चार्ज के पास कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो हम लोग उसको मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन हमारा होगा तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे। अगर इसके सेकेंड पार्ट में हम आते हैं ऑप्टिक्स में, तो पहला हमारा होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा हमारा होता है वेव ऑप्टिक्स। अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो हम इसमें पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। अगर थर्ड पार्ट की बात करें मॉडर्न फिजिक्स में, तो पहला हमारा आएगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम। सो दीज आर माई रोड मैप्स। सो फ्रॉम नाउ टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द फर्स्ट चैप्टर। अगर हम इसकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के बारे में जानें कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, तो हमारा तीन लेवल रहेगा, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री। टीयर वन में हमारा क्या रहेगा, हम कंप्लीट बोर्ड को पढ़ाएंगे पहले। यहाँ पे हमारा जो सिलेबस होगा टीयर वन का, वो हमारा होगा सिलेबस सीबीएसई का, झारखंड बोर्ड का कंप्लीट हमारा होगा। उसके बाद अगर टीयर टू की बात करेंगे हम, टीयर टू में वो सिलेबस रहेंगे जो हमने टीयर वन में नहीं पढ़ा है। लाइक अगर नीट की बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं, हम वहाँ अगर नहीं पढ़ते हैं तो टीयर टू में पढ़ेंगे। और टीयर थ्री की बात करते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, जो भी नीट आईआईटी में जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हमारे कंसेप्ट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम स्टडी ऑफ चार्ज, और उसकी भी एक कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए आप लोग। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा यहाँ तक हो गया, फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, और फाइव हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, ये हमारा होगा। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इतने भागों में डिवाइड किया है और हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो हमारी क्लासेस आज से स्टार्ट होगी जहाँ पे हम चार्जेस और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया हमने। तो इसकी एक स्ट्रैटेजी यही है कि यहाँ पे आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, पूरे बेस से यहाँ बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो कंसेप्ट है जीरो लेवल से स्टार्ट है, और आप यहाँ पे देख सकेंगे हमारा लेक्चर जो है आज से स्टार्ट होने वाली है। तो प्लीज़ आप इस चैनल में बने रहें और मेहनत करें। थैंक यू।